तो हाय एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी नई वीडियो। ये वीडियो है YouTube ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी, तो इसलिए अंत तक ज़रूर देखेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम YouTube चैनल स्टार्ट कैसे करें, यानी YouTube चैनल को क्रिएट कैसे करें। तो आपको YouTube चैनल क्रिएट करने के लिए आपको YouTube पर चले जाना है। आप साइड में मोबाइल स्क्रीन भी देख सकते हो, इसमें आपको सब कुछ सिखाया जा रहा है कि चैनल को हम कैसे स्टार्ट करें। क्योंकि चैनल स्टार्ट करने के लिए आपको YouTube ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको साइड में गोल चक्कर दिखाई देगा, जो आपके जीमेल का अक्षर होगा। जी से है तो वहाँ पर जी लिखा होगा, अगर एन से तो एन, यानी कुल मिला के आप यहाँ पर रेड एनिमेशन आ रहा है, वहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है योर चैनल। तो यहाँ पे योर चैनल पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा पिक्चर नेम। अगर आपने कोई पिक्चर लगानी है आपके, यानी कोई अगर आपने टैग बना रखा है या लोगो बना रखा अपने चैनल का, तो वहाँ पे आप ऐड कर दीजिए। और अगर नहीं बनाना है यानी नहीं लगाना है तो मत कीजिएगा। और नेम अगर आपने अभी करना है तो अभी कर दीजिए, नहीं तो बाद में भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सीधा क्रिएट चैनल पर क्लिक कर देते हैं। तो क्रिएट चैनल पर हमने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद अब कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है जो आप साइड में देख रहे हो। तो अब आपको करना क्या है? करना कुछ नहीं है। अगर आपको वीडियो अपलोड करनी है तो कर दीजिए, नहीं तो सबसे पहले आपको एडिट चैनल पर क्लिक करना है। तो आप एडिट चैनल पर क्लिक करोगे तो आपको बहुत अच्छा होगा, यानी पहले चैनल को प्रोफेशनल बना लेते फिर वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करते हैं। तो चैनल प्रोफेशनल बनाने के लिए आपको एडिट चैनल पर जाना है और यहाँ पे आपको सब कुछ करना है। यहाँ पे आपको बैनर भी लगाना है। बैनर लगाना है तो लगाओ, तो मत लगाओ, बट आपको जो चैनल का लोगो है वो लगाना जरूरी है। चाहे आप खुद की फ़ोटो लगा लो अगर आपने फेस वैल्यू बनानी है, नहीं तो अपना जो भी लोगो बनाया है वहाँ लगा दीजिए। कैसे लगाना है वो आप साइड में देख सकते हो। तो लोगो लगाने के बाद आपको अब बारी आती है नाम की। चैनल का नाम आप सोच समझ कर नाम रखिएगा, जो सर्च करने पर आसानी से आ जाए, ऐसा प्रोफेशनल नेम आपको चुनना है। तो अब आपको प्रोफेशनल चैनल का नाम चुन लेना है और चुनकर यहाँ पे ऐड कर देना। ऐड करने के बाद डिस्क्रिप्शन होगा, वहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, अपनी जो भी रुचि है, जो भी एक्सपीरियंस है, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिखने के बाद अब नीचे प्राइवेसी ऑप्शन है, इनको आप ऑन ही रखो। प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है, अगर आप इसे ऑफ करोगे तो आपने जिन जिन चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है वो अदर्स पीपल को भी दिखाई देगा, यानी अन्य लोगों को भी दिखाई देगा कि आपने किन किन चैनल को लोग सब्सक्राइब कर रखा है। और जो एक ऑप्शन हो रहा है वो प्राइवेट, यानी जो भी प्लेलिस्ट आपकी वो प्राइवेट रहेगी। आपने क्या क्या प्लेलिस्ट बनाई है या कौन सी लाइक वीडियो को लाइक किया है वो आप अन्य लोगों को भी दिखाई देगा, इसलिए आप ऑन रखो। तो ये दो प्राइवेसी ऑन रखनी जरूरी है। अगर आप शो करना चाहते हो कि हाँ मैं तो शो करूँगा, तो वही कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह आपका चैनल बन जाता है, बैनर लगाकर, लोगो लगाकर, चैनल का नाम रखकर, डिस्क्रिप्शन भरकर और अपनी जो प्राइवेसी है उसको ऑन या ऑफ रखकर। तो अब ये सब कुछ करने के बाद आप वीडियो तैयार कर लीजिए। अगर आप कोई टैग से रिलेटेड या किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो बनाते हो, तो वीडियो बनाने से पहले, यानी कैटेगरी आप चुनने से पहले, उस कैटेगरी का इंट्रो, अगर आप इंट्रो लगाओगे सबसे पहले इंट्रो वाली वीडियो अपलोड करोगे तो भाई बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा। तो पहले आपने इंट्रो चैनल का जो इंट्रो है वो आपने अपलोड किया, फिर स्टेप बाय स्टेप वीडियो, तो इससे आपको अच्छा प्रोफेशनल देखने का मौका मिलेगा। तो इसलिए पहले हो सके तो इंट्रो जरूर लगाना, अगर नहीं लगाना है तो मत लगाइए, मैंने भी नहीं लगाया, बट अच्छा होगा कि आप इंट्रो लगाए, फिर आप अपनी वीडियो जो है स्टेप बाय स्टेप अपलोड करते रहे। तो इस तरह आप अपना चैनल बना सकते हैं। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम वीडियो को किस तरह अपलोड करें कि हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।